पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूनियन भारतीय किसान यूनियन तन है कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। जगह है कितनी जेलों में तेरी देखा है और देखेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, भाजपा टिकैत अमर रहे, नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। हमारे हक, हमारे हक बोलिए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। हमारे अधिकार हमें दो, हम अपने अधिकार लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अधिकार लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, ब्रजभूषण को, ब्रजभूषण को, ब्रजभूषण को, ब्रजभूषण को, माननीय राकेश टिकैत, माननीय नरेश टिकैत, संबंध में हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से क्या मामला है? मामला है ब्रजभूषण को, जब पूरे देश में एक कानून होना चाहिए है, तो आज की तारीख में ब्रजभूषण को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, रिपोर्ट लिखी गई, FIR हो गई, तो फिर जेल में क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? भाई जांच होती रहेगी, जांच में जो कुछ तथ्य आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हमने अभी एक 900 था उसका, इस्लाम नगर का, वो एक लड़की का जो कांड था इधर इस्लाम नगर में, नंगा पोस्ट जो हमारे योगी जी पे भी पहुँच गया था, तो उसमें एक महीने के बाद हमने जो सब बिना शर्त रिहा करवाया, जांच करवाया के, तो क्या इस प्रकार वो भी मतलब रिहा हो जाता? पहले जेल भेजना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उन महिलाओं के जीवन का क्या होगा, जिन महिलाओं ने अपना खुलासा किया, जिन बेटियों ने, वो देश की बेटी थी, आज वो हरिद्वार की पैड़ी पे बैठ कर रो रही थी। अगर नरेश टिकैत नहीं जाते खेत में से उठकर, तो वो उस मेडल को जो देश का एक ताज था, जिन्होंने अपना देश का झंडा विदेशों में लहराया है, जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री यूँ कहते थे कि हमारी बेटी हैं, उन्हें गला लगाते थे, आज उन बेटियों को किसी भी BJP के किसी भी उसने मंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने बहरहाल एक शब्द भी ये नहीं बोला कि अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है, तो क्यों मूक दर्शक बैठे हैं वो? हालात बहुत खराब हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि समय रहते हुए ये प्रधानमंत्री और पूरी सरकार जल्दी अति शीघ्र चेते, नहीं तो आप ये समझ लो कि हो सकता है द्रौपदी के कारण, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरा महाभारत हुआ, सीता का हरण हुआ तो पूरी लंका समाप्त हुई। हम भी ये चाहते हैं कि 700 आदमी हमारे वहाँ शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, कहीं ऐसा ना हो आज मणिपुर में आग लग रही है, वहाँ के जितनी हमारी बेटियाँ हैं जो मेडल लिए हुए हैं वो वापस कर रही हैं, हमारी बेटियाँ वापस कर रही हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हम यहाँ से भी कह रहे हैं कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, हम संघर्ष करेंगे और शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन है, शांति हम इस देश के जो पहले से भी हम अहिंसावादी हैं, हिंसा में हम कोई विश्वास नहीं करते, इसलिए समय रहते हुए सरकार चेते,
जिसके दुष्परिणाम गंभीर ना निकले, क्योंकि आप आज जो है खाप पंचायतों की भी मीटिंग है बहुत बड़ी सौरभ में, तो इसलिए पता नहीं जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हमें सब लोगों को चलना पड़ेगा। और सरकार फिर चेत है, सरकार इस पर पुनः विचार करे, गिरफ्तारी की मांग करते हैं, गिरफ्तारी की भी मांग है हमारी, गिरफ्तारी भी होगी भाई, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करे या हम करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।